खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट 24 के बारे में। तो क्रिकेट 24 पीसी और कॉन्सोल्स के लिए रिलीज़ हो चुका है। गेम में आपको लाइसेंस प्लेयर, लाइसेंस स्टेडियम और लाइसेंस जर्सीज, यहाँ तक कि लाइसेंस इक्विपमेंट्स भी देखने को मिलेगी। प्लेयर्स को काफ़ी रियल बनाया गया है, रियल फेसेस के साथ। इसमें आपको कई सारे टूर्नामेंट्स भी देखने को मिलेंगे, उसमें से एक IPL भी है। यहाँ पे आपको 8 लाइसेंस टीमें देखने को मिलेंगे विद रियल फेसेस एंड रियल जर्सीज। बट स्टिल 2 टीमें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, CSK और RCB। अभी इन दोनों टीम को ऐड नहीं किया गया है, अभी कंपनी की बात चल रही है दोनों टीमों से, और जब दोनों एग्री कर जाते हैं तो बाद में हमें पैच अपडेट में ये दोनों टीमें ऐड होते हुए दिखाई देंगी। और उसके अलावा वोमेंस बिग बैश लीग और मेंस बिग बैश लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग और 100 की इंग्लैंड का एक लीग है, उसको वहाँ पर टूर्नामेंट्स में आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। और भी आपको टूर्नामेंट्स बाद में देखने को मिलेगा। और PSL को अभी ऐड नहीं किया गया, बट PSL को भी बाद में पैच अपडेट में अपडेट कर जाएगा। अभी बहुत सारे पैच अपडेट आने वाले हैं इस गेम के, क्योंकि अभी गेम में काफ़ी सारे बग्स भी हैं, काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस टीम में आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ओमान और भी कुछ कंट्रीज़ हैं। और अभी इंडिया वगैरह भी ऐड नहीं किया गया, बाद में हो सकता है मैं इंडिया को भी ऐड होते हुए दिखाई दे सकती है। बट गेम को लेके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि गेम काफ़ी अच्छा है और कोई बोल रहा है कि गेम बिल्कुल क्रिकेट 22 की तरह ही है। क्रिकेट 24 के फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं और लाइसेंसिंग की वजह से गेम क्रिकेट 22 से काफ़ी रियल भी दिख रहा है, बट स्टिल मेन चीज़ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और वो चीज़ है गेम प्ले। क्या गेम प्ले बिल्कुल क्रिकेट 22 की तरह ही है? इसमें फीचर्स और लाइसेंसिंग की वजह से गेम का प्राइस स्टीम पे, मतलब कि PC के लिए 3000 है और कॉन्सोल के लिए इसका प्राइस 4000 से भी ऊपर है। अगर आप इस गेम को बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो गेम प्ले तो अगर आप बोलोगे तो गेम प्ले सेम ही है। अगर आपको लाइसेंस टीमों और जर्सी ये सब चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो, वरना मैं कहूंगा इस गेम को बाय करना वर्थ इट नहीं है। जब गेम प्ले में चेंजेज नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कुछ फायदा है इस गेम को बाय करने का। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।